मैं डॉक्टर विनय कुमार झा आप लोगों का यूट्यूब के बायोलॉजी केंद्र चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो के द्वारा मैं नीट में बायोलॉजी का कितना रोल है इसका जानकारी दे रहा हूं। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूं कि नीट द्वारा इंडिया में कितने MBBS एवं BDS सीट पर एडमिशन होता है। तो गौहर नेशनल लेवल पर MBBS के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में 272 कॉलेजेज हैं, अभी 41,388 सीट पर एडमिशन होता है। 2020 तक प्राइवेट कॉलेजेज में 35,540 सीट है 260 कॉलेजेज के लिए। MBBS में टोटल सीट हो जाता है 76,928, 2020 में टोटल सीट MBBS के लिए गवर्नमेंट कॉलेज एवं प्राइवेट कॉलेज में आता है 76,928, टोटल कॉलेज हो जाता है 532, 2020 में एम्स था जिपमर को भी नीट में मिला लिया गया है, इसमें भी एडमिशन अब नीट के द्वारा ही होता है। 15 कॉलेजेज है एम्स में जिसका टोटल सीट है 1,205 और जिपमर में 2 कॉलेजेज है 200 सीट आता है, इसलिए टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेज में MBBS का सीट, प्राइवेट कॉलेजेज में एम्स में जिपमर में 2020 में टोटल सीट आ जाता है 78,333। अब जब हम BDS में आते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में नेशनल लेवल पर BDS में टोटल सीट है 3,513, 50 कॉलेजेज आता है और प्राइवेट कॉलेजेज में 23,260 सीट है, टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेज है 263। ये आपको हुआ नेशनल लेवल पर MBBS और BDS का टोटल सीट। BDS में गवर्नमेंट तथा प्राइवेट कॉलेजेस दोनों मिलाकर के टोटल सीट आता है 26,773। अब यदि हम बिहार स्टेट लेवल में बिहार में आते हैं तो बिहार में 9 गवर्नमेंट कॉलेजेस में नीट के द्वारा एडमिशन है 1,140 सीट पर और प्राइवेट कॉलेजेज में 3 प्राइवेट कॉलेजेज है जिसमें 400 सीट के लिए MBBS में एडमिशन होता है। BDS में गवर्नमेंट कॉलेज बिहार में एक ही है जिसमें 40 सीट है और प्राइवेट कॉलेजेज जो है BDS का उसमें 200 सीट है। ये टोटल नंबर ऑफ सीट पर नीट के द्वारा जो एडमिशन होता है उसमें जो एग्जामिनेशन में NAT के द्वारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो एग्जामिनेशन ली जाती है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है 180 क्वेश्चंस रहता है जिसमें फिजिक्स का मैं
45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन पर 4 मार्क्स, इसलिए फिजिक्स में टोटल मार्क्स रहता है 180, केमिस्ट्री में टोटल मार्क्स 180 और बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, इसलिए 360 मार्क्स का बायोलॉजी में होता है। अब हमको यहां पर यह कहना है कि जो बायोलॉजी का रोल नीट क्वालिफाई करने में बहुत ही ज्यादा है। क्यों? इसका बेसिस क्या हुआ, बेसिस क्या होगा? तो पहला है कि देख लीजिए, एग्जामिनेशन ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स का, 180 मिनट, 180 क्वेश्चन है, और 180 मिनट है, तो 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पर 1 मिनट पड़ता है। यदि हम बायोलॉजी में लें तो बायोलॉजी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसमें यदि हम इसको मेमोराइज करें, कई बार रिवीजन करें, टेस्ट प्रैक्टिस करें और पिछले कई वर्षों का या 10 साल का क्वेश्चन प्रिपरेशन कर लें, ओल्ड पेपर का प्रिपरेशन कर लें, तो बायोलॉजी में हम 360 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। इसमें 2 चीज है, एक मार्क्स ऑब्टेनिंग है, ये मार्क्स देगा आपको, 360 मार्क्स आप ला सकते हैं, और दूसरा है टाइम सेवर, ये टाइम बचाएगा, इसमें आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह टाइम नहीं लगेगा, जो टाइम आप बचाते हैं बायोलॉजी के द्वारा, आप जो टाइम बचाते हैं उसको आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगा दिए, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स है, वहां भी अधिक टाइम की आवश्यकता होती है, इसलिए आप बायोलॉजी में टाइम बचा करके आप फिजिक्स में दे दीजिए। और यहां पर आप मार्क्स जो है 360 आप बेहिचक ला सकते हैं, किस आधार पर, किस तरह से, तो पहला थ्योरेटिकल पेपर रहने के कारण, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहने के कारण इसको आप अधिक से अधिक याद कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और अधिक से अधिक टेस्ट द्वारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस आधार पर हम ये कहेंगे कि बायोलॉजी का रोल नेट क्वालिफाई में सबसे अधिक है, और बायोलॉजी पर यदि आप फोकस करते हैं, बायोलॉजी को अपने प्रिपरेशन में यदि नंबर 1 रखते हैं, तो आपका रास्ता नेट क्वालिफाई करने में आसान हो जाएगा। धन्यवाद।